हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल सी रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ यू कंबाइन reduction and oxidation reaction, then you will find redox reaction. It means if a reaction have both reduction and oxidation, then it will be called redox reaction. If in a reaction both oxidation and reduction both are occurring simultaneously, then it is called that reaction will be redox reaction. ओके, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है मीन्स इसमें दो चीज़ें हो गई। रेड फॉर reduction and ox for oxidation. Ox for oxidation. Okay. Now we will see definitions of oxidation and reduction reaction. Okay, both we will compare. हम लोग यहाँ पे oxidation reduction reaction देखेंगे, दोनों को compare करते हुए चलेंगे ताकि जो है कि हमें दोनों का difference भी पता रहे और याद भी आसानी से हो सके। ठीक है, तो हम इसमें एक line खींच देते हैं। यहाँ पे ये हमारा reduction oxidation हो गया और रिडक्शन इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकेंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट। ओके, इट इन्वॉल्व
क्या क्या होते हैं इसमें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओके। नेक्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो एक बेसिक डिफिनेशन हो गई कि अगर किसी सब्सटेंस से किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। और इसके अपोजिट अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ये हमारे ट्रेडिशनल बेसिक इक्वेशन या मतलब के डिफिनेशन हो गए। अब इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, रिडक्शन में हम रिएक्शन देखते हैं H2S प्लस Cl2, H2SCl प्लस S, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने बताया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन Fe3O4 प्लस CO, ओके, 3CO, यहाँ पे Fe2O3 ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पे Fe का रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे कि हम अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, एडिशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिखा था प्लस O2, ओके, यहाँ पे बन जाएगा 2H2O प्लस सल्फर, 2 सल्फर, ठीक है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, किसका हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, किसका हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया और यहाँ आयरन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। डिफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस Cl से एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो Cl का रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से सल्फर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, किसका हो गया,
सल्फर का ऑक्सीडेशन। ओके, अब जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से जो हमने दूसरी डेफिनेशन दी उसके हिसाब से, अभी तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे देखा था, अब हम दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना है। जैसे जिंक, जिंक सल्फर से जुड़ करके जिंक सल्फाइड बना लिया, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो गया, पोटेशियम आयोडाइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, KCl प्लस और सॉरी हमें रिडक्शन देखना है, हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ठीक है। 2HgCl2 प्लस SnCl4, ओके। यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे SnCl4 प्लस 4Na, तो यहाँ पे बन जाएगा 4NaCl प्लस Sn, ओके। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे Sn का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे मर्करी का रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में अगर देखेंगे तो रिडक्शन हमने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 था 4 हो गया, ठीक है ना, यहाँ से 2 जो है कि निकल गए। अब यहाँ से जो है कि रिमूवल ऑफ Cl, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ZnS, ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2, ओके। तो यहाँ पे जो है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने जो है कि एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन देखा, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन होगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एनी एटम और यहाँ पे बाई एनी एटम एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ओके, Cl2 प्लस 2e, ठीक, तो ये हो गया 2Cl माइनस, ये वाला रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में जैसे जिंक
लूजेस टू इलेक्ट्रॉन, जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी मेटल है, एम जी टू प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन, ये हो गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन के बेस पे डिफिनेशन। इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर कोई भी एलिमेंट एटम जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, अगर गेन करता है तो क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेस पे। अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे ऑक्सीडेशन के बेस पे। ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर इज ऑक्सीडेशन, ओके। अब यहाँ पे रिडक्शन इज कैरिड बाय, रिडक्शन इज कैरिड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। एंड ऑक्सीडेशन इज कैरिड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ये हमने पूरा डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया। हमने तीन बेसिस पे डेफिनेशन देखे, एक ट्रेडिशनल बेसिस था जिसमें एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से था, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बेसिस था जिसमें इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल से हो गए, तीसरा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे देख लिया। ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ये हमारा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ी टर्म्स जो हैं इनके अंदर उस टर्म्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद टर्म्स को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट को पहले देख लेते हैं, फिर टर्म्स अदर देखेंगे। रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, सब्सटेंस या एटम विच काज रिडक्शन ऑफ अदर
इन रिएक्शन नोन एज इज नोन एज रिडक्टेंट ओके इन रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस अंडरगो सब्सटेंस और एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन ओके क्या यहाँ पे बोला जा रहा है भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एटम जो कि दूसरे का रिडक्शन कर रहा है रिएक्शन विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर इन रिएक्शन नोन एज रिडक्टेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस और एटम अंडर गो ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्टेंट ओके इसके अपोजिट ऑक्सीडेंट हो जाएगा क्या होगा एटम विच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेंट ओके या ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस विच अंडरगो गो रिडक्शन इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ is known as oxidant ठीक है इसमें क्या बोला गया है इसे बोला गया कि एटम विच causes ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं या जो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है रिएक्शन के अंदर उसको हम रिडक्टेंट कहते हैं उसको क्या कहते हैं रिडक्टेंट कहते हैं ठीक है नोट कर लिया ओके अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ रिएक्शंस लेंगे और उसमें रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट इन सबको अच्छे से समझेंगे ठीक है तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हमारे पास FeCl3 वोल्टाइज SnCl2 2FeCl2 प्लस SnCl4 तो अब यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या निकलना है यहाँ हो रहा है रिडक्शन।